हेलो दोस्तों, हाईटेक रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से कुछ दिन से मैंने ईबे से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया है एक ही सेलर से। सेलर का नाम है यूनिवर्स इंडिया। तो उसने मुझे दो बार ऐसा ही प्रोडक्ट, डैमेज प्रोडक्ट भेजा है। एक बार तो मैंने एक टेम्पर ग्लास और कुछ चीज़ ऑर्डर किया था, वो भी ब्रोकन मिला था, एक कवर भी ब्रोकन। तो आज हम जो ये अनबॉक्स कर रहे हैं, ये है शाओमी रेडमी 3S का एक टेम्पर ग्लास मैंने मंगाया था, जो कि मुझे काफ़ी चीप मिल गया था, 75 रुपीज़ का। तो चलिए डब्बा तो खोल लिया है। डब्बा के अंदर देखिए स्नैपडील का स्टिकर लगा हुआ है, क्यों है मुझे तो मालूम नहीं, किन्तु लेकिन डब्बा के ऊपर जो कागज़ था वो ईबे का था। तो चलिए इसको सील तो ओपन कर लेते हैं, देखते हैं अंदर क्या मिलता है। तो मुझे तो डाउट है इसमें कुछ जेन्युइन चीज़ निकलेगा, क्योंकि ये सेलर दो बार मुझे इसी तरह से ठग किया है मेरे साथ। तो इस बार मैं लाइव कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और सीरियसली ईबे के ऊपर से मेरा विश्वास हट गया है पूरा। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि ईबे से कोई भी एक्सेसरीज परचेस मत करिए। तो देखिए बहुत सारा रैपिंग लगा के दिया है। ओ हो, ये तो नॉर्मल कागज़ में चिपका दिया है, आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल पेपर में चिपका दिया है। चलिए इसको अनपैक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है क्या कुछ नहीं। टेम्पर्ड ग्लास तो है मुझे लग रहा है, और ये टेम्पर्ड ग्लास निकला, लेकिन कैसे पैकिंग किया दोस्तों, ये टूटा हुआ है, मुझे विश्वास है। ये देखिए पूरा टेम्पर्ड ग्लास टूटा हुआ है, पूरा टेम्पर्ड ग्लास टूटा हुआ है, पूरा के पूरा ग्लास इसमें टूटा हुआ है। तो ये थर्ड टाइम हुआ जो सेम सेलर ने डैमेज प्रोडक्ट्स भेजा है। मैंने दो बार ऑलरेडी क्लेम किया है, ईबे ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। आज 3 दिन हो गया है पहला वाला क्लेम का, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया ईबे की तरफ से मेरे तरफ पे। तो ये तो पूरा पैसा वेस्ट हो रहा है हम लोगों का। तो मैं दरख्वास्त करूँगा आप लोगों को, ये वीडियो देखने के बाद ईबे से कोई भी एक्सेसरीज मत खरीदिए। अगर ख़रीदना है तो अच्छे वाले सेलर से खरीदिए, जिसका रेपुटेशन अच्छा हो, जिसका रैंकिंग अच्छा हो। तो यही तो था दोस्तों वीडियो में। और देख सकते हैं पैकेज में जो रैपर आया था, रैपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीपेड ऑर्डर, या फिर एड्रेस वगैरह कुछ दिया हुआ है। तो वही सब कुछ है इसमें, सेलर का भी नाम एड्रेस दिया है, लेकिन वो स्नैपडील का स्टिकर कैसे आया उसके पास मुझे पता नहीं। शायद वो स्नैपडील में भी सेल करता है।